एक तो है ना, हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, हमें पता है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, या फिर हम बहुत ज़्यादा अलर्ट है, हमारे जो मतलब कह सकते हो ना सिग्नल्स खुले हुए हैं सारे। अब चलते हैं उधर वाली लोकेशंस पे जो ज़्यादा थोड़ा सा रिस्की है और थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर। हम टेम्परेचर में चेंज देखा तूने? गर्मी है। ये क्या कपड़ा रखा हुआ है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसके आगे से जाए। बहुत कुछ हम ठीक है यार दीपक, चल तुम समझा कर, कभी मार लेगा। हाँ, एक शायद वो स्तंभ गड़ा हुआ है ना। ऐसे स्तंभ हैं, कुछ टूट गए हैं, तो अंदाजा नहीं, इसलिए आगे जाना ना, पता नहीं गलती से हमारा पैर ना पड़ जाए किसी का। सही कह रहे भैया, है ना। हाँ, और अवशेष बहुत छोटे। हाँ हाँ, अब जैसे मैं बात करता हूँ ना चीजों की, जगह की, तो बहुत ही ज्यादा मतलब कह सकते हो डीप फीलिंग है यहाँ पे। डीप फीलिंग मतलब एक तो है ना, हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, हमें पता है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, या फिर हम बहुत ज़्यादा अलर्ट है, हमारे जो मतलब कह सकते हो ना सिग्नल्स खुले हुए हैं सारे, कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं आराम से, क्योंकि हमें पता है कि इस जगह बहुत सारी एनर्जीज को रिलीज किया जाता है, बहुत सारे यहाँ पर स्पिरिट्स हैं, बहुत सारी आत्माएँ हैं। जैसा मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि हमें तो यही बताया गया है कि सारी एनर्जीज जो हैं यहाँ पर पॉजिटिव हैं, भाई साधु महात्मा है, आपके बड़े पूर्वज हैं, तो ये ज़्यादातर आपको ब्लेसिंग करते हैं। लेकिन एनर्जीज को, जैसा कि हम इस वीडियो में के पर्पस है कि पैरानॉर्मल एनर्जीज को हम कैसे कैप्चर करें, तो ये एक बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी लोकेशन है जहाँ पर आज हमें कुछ हार्ड एविडेंस मिल सकते हैं। ये मेरे अंदर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा श्योर है चीज़ें, ठीक है। अब कई बंदे सोचेंगे ये पहले से ही सोच के आया है भाई कि इसको यहाँ पे कुछ दिखाना है, ये तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ठीक है। हम ये लाइट यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें कुछ मूवमेंट होती हुई दिखे, हल्का सा भी कुछ। यूवी लाइट्स में है ना एनर्जी थ्रो होते हुए दिखती है बहुत अच्छे से। ऐसे जगह जगह यहाँ पर बजरंगबली बैठे हुए हैं, डरने वाली कोई बात है नहीं। अब चलते हैं उधर वाली लोकेशंस पे जो ज़्यादा थोड़ा सा रिस्की है और थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर। हम चलें इधर से, एक ये भी कुंड है नीचे जो पूरा बना हुआ है, देख लो आप। तो अब भैया उधर से चलें, पीछे की साइड से घूम के, यहाँ पर पैर ना रखें, ऊपर की साइड है ना। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि कुछ एक दो है ना इधर की साइड जगह हैं जहाँ पर हम पहले से ही मोशन सेंसर प्लेस कर सकते हैं। भैंस की आंख, ये एक वो बना हुआ है ना पीछे की साइड ऊंचा सा, मेरे को लगा भैया कोई खड़ा है, एकदम से मेरी नजर पड़ी ना तो मेरा दिमाग उस पे गया। अब एक काम करते हैं भैया, आप अपनी हेड वाली टॉर्च जला लो और ये वाली लाइट बंद करते भाई, इस लाइट से मैक्सिमम शूट करने की कोशिश करते हैं। अब परफेक्ट है, मैं प्रॉपर दिख रहा हूँ जी, इससे आगे दिख रहा थोड़ा बहुत? हाँ। उतना नहीं दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा है मतलब। ठीक है भैया, आ जाओ। अब हम कोशिश करते हैं भाई चीजें अच्छे से देखने की और एक्सप्लोर करने की। अब आप देख सकते हो कि ये शिवलिंग जो कि कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे ये है, एक अबैंडेंट
ये क्या बना हुआ पूरा? आ जाओ भैया इसके अंदर आ जाओ भैया। कुछ आपने फील करा जैसे आप बाहर से अंदर आया, आपको टेम्परेचर में बहुत ज्यादा? आप एक बार दोबारा करो ये चीज, यहाँ टेम्परेचर देखो यहां पर, और अंदर आते ही देखो भैया टेम्परेचर कितना गर्म है भैया। यार एग्जैक्टली ये फंडा नहीं समझ आया। टेम्परेचर में चेंज देखा तूने? गर्मी है। एक बार फिर से ट्राई करो, अब देखना यहाँ हो आप एकदम से। एसी से बाहर निकलते ना बिल्कुल गर्म लगती है, और ये है भी खुला, कहीं से बंद भी नहीं है। ये टेम्परेचर फील आपने पक्का करा ना? आ जाओ, जैसे जैसे हम अंदर जाते रहेंगे ना। ये क्या है? गर्मी बढ़ गई ना? है क्या? ये क्या कपड़ा रखा हुआ है? ओहो हो हो हो, नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से इसको एक बार ऊपर करके दिखा दो, दिख रहा है इसमें? आगे दिखाओ, मैं दिखा देता हूँ भाई। ये किसी ने कपड़ा रखा हुआ है इधर, और अगरबत्ती भी रखी हुई है, और इस जगह का जो टेम्परेचर है ना वो भी बहुत अलग है, और यही है एग्जैक्ट वो जगह भैया। मेरा दिल कह रहा है कि यहाँ पे मोशन सेंसर प्लेस करें। ठीक है, क्या कहते हो आप? किस डायरेक्शन में रख दो? किस डायरेक्शन में? उधर की? हाँ, एक उधर कर देते हैं, एक पीछे जहाँ से अपन। नहीं, अभी यही ही रखते हैं। ठीक है, है ना? ठीक है। तो ये हम मोशन सेंसर लेके आए हैं, हम ये इस डायरेक्शन में रखते हैं, और देखते हैं कि यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मोशन सेंसर काम कैसे करेगा। अब हमने ये इसका जो फेस है ना मोशन सेंसर का, ये हम एक काम करते हैं, हम इधर वाले डायरेक्शन में रख देते हैं ऐसे। अब देखना अभी काम कैसे करेगा। अभी मोशन सेंसर जल रहा है, एक बार इधर आना भैया। यहाँ पर भी जगह जगह ऐसे कपड़े रखे हुए हैं। मोशन सेंसर बंद हो चुका है, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मैं इसकी कितनी पास तक जाऊँगा तो ये जलेगा। मैं इसको ऐसे क्रॉस करूँगा तो ये जल गया, क्योंकि इसका मुंह इधर की साइड है, तो इसको ऐसे कोई क्रॉस करेगा तो ये जल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर मोशन सेंसर काम करता है या नहीं करता। लाइट्स हमने अपनी, यूवी लाइट हमने अपनी बंद कर दी है, तो क्या कोई हम तीनों के अलावा यहां पर मौजूद है? अगर है तो ये जो मैंने नीचे सफेद रंग का रखा है, आप इसके सामने से जैसे ही निकलोगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहां पर कोई है। हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, हम जस्ट ये जानना चाहते हैं कि यहां पर हमारे अलावा क्या कोई है। क्या कोई भी ऐसी शक्ति यहां पर है तो इस चीज के आगे आए, जिससे हमें पता चल पाएगा कि आप यहां पर मौजूद हैं। मैं फिर से यही कहूंगा, हम आपकी बहुत इज्जत कर रहे हैं, और हमारा मकसद आपको नुकसान पहुंचाना या फिर आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। हम बस जानना चाहते हैं यहां पर हम तीनों के अलावा और कोई है या नहीं। थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा, अभी तो फिलहाल कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई है, लेकिन एकदम से कुत्ते भौंकने लग गए बहुत ज्यादा।
सुन सकते हो भैया, मेरे को दो आपके कैमरा, मैं थोड़ी सी आगे जाता हूँ। ये ऊपर कुछ चीज़ ऐसे रखी हुई है, ये थोड़ी सी अजीब लग रही है, और हमें जैसे जैसे यहाँ के बारे में बताया ना भाई, बहुत अजीब चीज़ें हैं यहाँ के बारे में। इधर तो क्या हम जान सकते हैं कि यहाँ पर कोई है? अगर कोई भी ऐसी चीज है जो ये चीज नीचे रखी हुई है ना, हमने आप इसके सामने से जाओगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहां पर कोई है। कुछ नहीं हो रहा। क्या आप चाहते हो हम यहां से चले जाएं? भैया यहां से चलते हैं। चलते हैं से। लाइट जल गई। चलते हैं से। भैया थोड़ा सा कम्युनिकेट करते हैं ना, फिर फायदा क्या हुआ? नहीं पर वो जब सवाल पर हमारे चाहिए नहीं रही, तो पहली बार देखा अपनी जिंदगी में हमने। नहीं फिर से पूछ लो, दोबारा पूछ। हमारा मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है, क्या आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं? यार ये तो चलना चाहिए दीपक, यहाँ से चलना चाहिए, हमारे मेरे हिसाब से चलना चाहिए। भाई तुम मानता नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ, अब जो सवाल पूछ। नहीं नहीं वो बात ठीक है आपकी, लेकिन थोड़ा सा कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बताया ना मैं कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है। एक काम करता हूँ मैं, इसको भी शांत है, कुछ नहीं होगा, टेंशन ना लो भैया, इसको बंद कर देता हूँ। कैसे बंद होगी ये? लो आप ये वाली टॉर्च, सही है, बस इसी टॉर्च से रखो, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रेन्स आ गए हैं वीडियो में। हाँ भैया थोड़ी सी और आगे आ जाओ। हाँ तो लाइट प्रॉपर आएगी इसके ऊपर। तो क्या आप चाहते हो? आप यहाँ पर कितने जने हो, हम ये जान सकते हैं? अगर आप दो जने हो, अगर एक से ज्यादा हो तो आप इसके आगे से जाए। यहाँ से चलते हैं, माना करो, ठीक नहीं है, मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही यहाँ पे। नहीं है तो यहाँ पर भी है कोई 110% कुछ नेगेटिव, मतलब क्योंकि एनर्जीज तो है यहाँ पे बहुत ज्यादा रिमोट एरिया में, दूर दूर तक है, तो है कुछ नहीं यहाँ पे। वो ठीक है बात, हम आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं, हम आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं, है ना? क्या कहता है इसके बारे में तू वीर? कह रहा था आज किसी को छोड़ के गए। आज नहीं कल बता रहा है। आज बोला है? आज बोला है। कल यस्टरडे। लो भैया कैमरा पकड़ो आप। तो भाई मोशन सेंसर तो प्लेस हो रहा है, हमारी थोड़ी सी गलती जो है वो गलती ये हो गई हमारे से कि हम नाइट विजन कैमरा नहीं लेके आए यहाँ पर। अगर नाइट विजन कैमरा लेके आते तो हो सकता है हमें बहुत कुछ देखने को मिल जाता, बहुत कुछ हम ठीक है। यार दीपक चल, तुम समझा गए, कभी मार लेगा भैया ये आवाज, ये चलने की आवाज आई है। अरे है मोशन सेंसर चल रहा है बार बार है। आप कैमरा मेरे ऊपर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो, मेरे ऊपर रखो उसको। दीपक समझा क्या यार? नहीं कोई यहाँ पर चीज हमें परेशान नहीं रही, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हमारे सवाल पूछने पे कि यहाँ से चले जाओ तो फिर क्या सेंस है? हमने पूछा यही है ना, क्योंकि ले यार हमने पूछा यही है। मुझे प्यास लग रही है, आप चलिए। स्टार्ट है?
तो भाई अभी वीर और मैं आए हैं कि भैया को बाहर गाड़ी में बिठाए हैं। वो देखो पता ही क्या होता है, ठीक है उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, अगर कोई अनकंफर्टेबल हो रहा है तो फिर कोई पैनिक हो जाए कुछ हो जाए तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है, और उनके साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा था। ठीक है धीरे धीरे शायद उनको ये चीज़ पता लगे कि, लेकिन होता है यार कोई भी अगर नॉर्मल इंसान जाएगा तो उसको थोड़ा सा लगेगा। तो मैं दोबारा उसी जगह आ गया हूँ, ये वो जगह है जहाँ पर हमें अभी कुछ ऐसा फील हो रहा था। दोबारा वीर मोशन सेंसर कहाँ रखा है, कहाँ रखा है, बोल ले तू, कोई दिक्कत नहीं है, बोल मेरे बोल ले रहा है, इशारे कर रहा है मेरे पॉकेट में। दोबारा करें यहाँ पे, हाँ तुझे तो नहीं लग रहा डर? नहीं लगा। पक्का? बिल्कुल। तो मैंने दोबारा ये मोशन सेंसर यहाँ पे प्लेस कर दिया है और देखते हैं। अल्लाह तू मेरे को ये वाली लाइट बंद कर दे, मैं ये वाली लाइट जला देता हूँ और इसी से कैमरा चलाते हैं। दिखा मेरे को कैमरा दे दे। तो मोशन सेंसर जला दिया हमने लेकिन मोशन सेंसर अभी बंद नहीं हुआ। अब मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से कम्युनिकेट करने की। अगर आप एक से ज़्यादा हो तो आप इसको जला सकते हो क्या? जल गई तो वीर कम्युनिकेट तो पूरा हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल आप जो भी, हमारा उद्देश्य किसी को भी नुकसान पहुँचाना नहीं है। मतलब फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है कि मेरा सर भारी हो रहा है सच में, और यहाँ पर बड़ी डेंस वाइब्स हैं भाई, बाहर निकलते ही आपको ठंड लगेगी, यहाँ पर है ना थोड़ी सी हीट है। क्या आप हमें नुकसान पहुँचाना चाहते हो? आप क्यों चाहते हो हम यहाँ से चले जाएं? क्या आप हमें एक बार देख सकते हो या कुछ ऐसा महसूस करा सको, ऐसा फील करा सको कि आप यहां पर मौजूद हो? नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो, अब नहीं हुई। ये किसकी आवाज थी? ओए, ये भी जल गई भैया। भाई ये भी जल गई। आ जा वीर इधर को, आ एक बार आवाज आई यहां से बहुत सॉलिड। भाई कैमरे अपने आप बंद हो रहे हैं, पता नहीं क्यों बार बार और फ्लक्चुएट हो रहा है। और क्या है ना, मैं देखो वीर के साथ हूँ यहाँ पर, वीर भी बार बार मेरे को बोले जा रहा है कि चलो यहाँ से। इस बार बहुत मतलब कुछ पूछा भी नहीं हमने फिर भी। हाँ तो पता है क्या, अब गाइज मैं बता देता हूँ, ले भाई एक मिनट पकड़ ले, बंद तो एंड तो कर दूँ वीडियो, इतना तो कर लें दे हैं, ये तो कर लूँ। तो गाइज इस लोकेशन को बीच में छोड़ना पड़ रहा है बिकॉज मैं नहीं चाहता कि भाई मेरी वजह से कोई पैनिक हो या फिर ऐसे सिचुएशंस बने, वही चीज़ हो रही है। तो मैं यहाँ पर प्रॉमिसली पक्का आऊँगा नेक्स्ट टाइम अपनी प्रॉपर गैजेट्स के साथ राकेश को लेके, और हम यहाँ पर अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे क्योंकि डैम श्योर यहाँ पर बहुत कुछ है पक्का। तो इंतज़ार करना इस वीडियो का, अभी निकलते हैं यहाँ से। वीर भी बार बार बोलने लगा है कि क्या हो गया ये भैया, और वीर फर्स्ट टाइम है इनका तो ये बहुत ज़्यादा, और वीर बहुत ज़्यादा मानता है, तो बहुत ज़्यादा मानता है ना इन चीज़ों को भैया, मैं विश्वास करता हूँ इन चीज़ों में। और आज ये जो आपका मोशन सेंसर ने जो काम किया ना, हाँ
मेरा मन नहीं कर रहा यार रुकने का, एक परसेंट। चलो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता फिर, तो इस वीडियो में यहीं पे एंड करते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मेरे को इस लोकेशन को दोरों छोड़ना पड़ रहा है, सीरियसली सॉरी। ठीक है, मैं बहुत कुछ इस लोकेशन पर करना चाहता था, लेकिन गाइस आप समझो थोड़ा, कोई यहाँ पे पैनिक हो, एक सिचुएशंस ख़राब हुए तो वो मैं नहीं चाहता। अभी भी देखो ये पीछे देखे जा रहा है, तो इस वीडियो में बैंड करते करते बंद।